मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनिलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग द 100 ड्रेसेस पढ़ रहे थे। इस लेसन का पार्ट 1 का 2 लेक्चर मैंने अपलोड किया है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं कि फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में क्या क्या हुआ था। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वांडा पेट्रोंस्की, जो कि इस स्टोरी का हेरोइन कहा जाए उसको, यानी मैन कैरेक्टर है वांडा पेट्रोंस्की, वह एक पॉलिश गर्ल है। पॉलिश गर्ल से मतलब है कि वह मूल रूप से पोलैंड से बिलोंग करती है, लेकिन अमेरिका में आकर के उनके पूर्वज रह गए, बस गए, तो वे पॉलिश अमेरिकन कहलाती है। तो जब वह स्कूल जाती है तो वहां पर बाकी सारी लड़कियां जो हैं अमेरिकन ओरिजिन की हैं सभी, और ये बेचारी अकेली होती है जो पॉलिश अमेरिकन है। थोड़ा नाम भी उन अमेरिकन गर्ल्स को अटपटा सा लगता है, क्योंकि इसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, पेट्रोंस्की, वांडा पेट्रोंस्की, ठीक है। और बेचारी गरीब परिवार से बिलोंग करती है, और जिसके चलते वह ऐसी जगह पर रहती है जहां पर काफी कीचड़ है, गंदगी है, और जब वह स्कूल आती है तो उसके पैरों में कीचड़ लगे रहते हैं, जिसके कारण वह सबसे पीछे लास्ट बेंच पर, लास्ट सीट पर, एकदम कॉर्नर में जाकर बैठती है। डियर स्टूडेंट, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में यह भी बताया गया कि वांडा पेट्रोंस्की जो है वह बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है, और ऐसा नहीं है कि वह पीछे बैठती थी तो पढ़ने में कमजोर थी, ऐसा नहीं था, पढ़ने में वह पुअर नहीं थी, लेकिन उसके पीछे बैठने के पीछे कारण क्या था कि वह बॉगिन हाइट्स नाम की जगह से आती थी, जो कि काफी गंदा इलाका था, कीचड़ से युक्त था, जिसके कारण उसे जो है पीछे बैठने बैठना पड़ता था उनको, क्योंकि कीचड़ पैर में लगा रहता था। जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, वह पॉलिश अमेरिकन है, अपने समुदाय में बिल्कुल अकेली है वह, इसलिए सबसे पीछे बैठती है। अब दूसरे पार्ट में डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि पेगी नाम की जो एक लड़की है वह बहुत ही पॉपुलर गर्ल है अपने स्कूल की, और अच्छे मार्क्स भी लाती है वह, तो वह वांडा को चिढ़ाती है, उनको बार बार पूछती है सबके सामने, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने पेयर ऑफ शूज हैं, और वांडा जो है जवाब देती है कि आई हैव 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट, इस तरह से वह जवाब देती है। लेकिन एक्चुअली ये मालूम था सबको, क्योंकि वह रोज एक ही ड्रेस, फैडेड ब्लू ड्रेस पहन के आती है, एकदम पुराना सा ब्लू ड्रेस जो प्रॉपरली आयरन्ड भी नहीं होता है, तो इससे पता चल रहा था कि वह बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने यह भी देखा था कि मंडे, फर्स्ट पार्ट में तो मंडे का इंसिडेंट था, मंडे को किसी ने नोटिस नहीं किया,
इवांडा पेट्रोन्स की क्लास में नहीं है। नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को भी किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन वेडनेसडे के दिन यानी बुधवार को पेगी और मेडी ने नोटिस किया कि वांडा पेट्रोन्स की क्लास में नहीं है। और उस दिन उसे इसलिए नोटिस हुआ, ध्यान आया उनका, क्योंकि वांडा पेट्रोन्स की का इंतजार कर रही थी दोनों, पेगी और मेडी, रास्ते में। और वांडा उस दिन भी स्कूल नहीं आई, और जिसके चलते दोनों को स्कूल जाने में विलंब हुआ, लेट हुआ। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा लेक्चर 2 में। साथ में लास्ट पैराग्राफ में यह भी आपको बताया गया था कि वांडा पेट्रोन्स्की के साथ जो मजाक किया जा रहा है, छेड़छाड़ किया जा रहा है पेगी के द्वारा, तो उसकी जो सहेली है, इनसेपरेबल फ्रेंड जिसको कहा गया है पेगी का, वह है मेडी। तो मेडी को यह सब बातें अच्छी नहीं लगती है डियर स्टूडेंट्स, और मेडी मन ही मन दुखी होती है जब उनके साथ इस तरह से क्या होता है, उसके साथ फन किया जाता है, मजाक किया जाता है। और वह सोचती है क्या कि एक लेटर लिखूं मैं पेगी को, क्योंकि डायरेक्ट उसमें हिम्मत नहीं है कि वह बात कर सके पेगी से और कह सके कि वांडा, सॉरी पेगी, तू जो कर रही है वांडा के साथ यह अच्छा नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, और मेडी को यह भी डर लग रहा था सीधे सीधे कहने से कि कहीं हो सकता है कि अगला टारगेट मेडी न बन जाए स्कूल में, क्योंकि मेडी स्वयं गरीब थी, वह पेगी के दिए हुए कपड़े पहना करती थी, तो इसलिए मेडी जो है सीधे सीधे पेगी का विरोध नहीं कर पा रही थी। तो अगला जो लेसन लेक्चर 3 में जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, वह यहां से आरंभ हो रहा है। टुडे इवेंट आप देख लो, ऊपर में ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है और नीचे ये पैराग्राफ है। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडे इवेंट दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मेडी वॉज ग्लैड she had not had to make fun of Wanda। देखो डियर स्टूडेंट्स, आज भले ही कह रहा है दोनों को स्कूल जाने में लेट हुआ, लेकिन मेडी इस बात से खुश है कि आज वांडा का कम से कम मजाक तो नहीं उड़ाया जाएगा, क्योंकि वांडा आज है ही नहीं, इसलिए मेडी बहुत खुश थी। she worked her arithmetic problems absent mindedly, और मेडी क्या कर रही थी, absent mindedly मतलब बेमन से अपने अंक गणित के प्रॉब्लम्स को बना रही थी। अंक गणित जिसको हम अंग्रेजी में अर्थमेटिक कहते हैं, देखो कैसे बना रही थी, 8 times 8 यानी 8 × 8 इस तरह से वह बोल रही थी। लेट्स सी, मान लिया, सी विश्ड सी हैड द नर्व टू राइट पेगी ए नोट। डियर स्टूडेंट, अब वह क्या सोच रही थी मन में कि काश मेरे में हिम्मत होती कि पेगी को मैं एक चिट्ठी लिखूं। बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट ऑफ टू पेगी टू से हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज। क्यों क्यों चिट्ठी लिखनी है, क्योंकि सी न्यू, उसे पता था, सी नेवर वुड हैव द करेज, कि उसमें इतनी हिम्मत कभी नहीं आएगी टू स्पीक राइट आउट टू पेगी,
कि वह पेगी से सीधा सीधा बात करे और कहे, हे पेग, अरे पेग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज। क्यों ना हम लोग बंद कर दें वांडा को पूछना कि तुम्हें कितने ड्रेसेस हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. अर्थमेटिक बनाने के बाद उसने एक नोट लिखना शुरू किया पेगी के नाम। Suddenly she paused and shuddered. अचानक वह सहम जाती है, shudder means कांप उठती है, थर्रा जाती है, डर जाती है, और paused मतलब रुक जाती है, लेटर लिखना बंद कर देती है। सी पिक्चर हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स। वह कल्पना कर रही होती है कि अगला टारगेट हो सकता है पेगी का, खुद वही बने, ठीक है, वह मन में सोच रही होती है। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड वॉर्न। हो सकता है पेगी उनसे पूछे कि ड्रेस जो तूने पहनी है कहां से लाया। एंड मे बी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। तब यदि वह पूछ दे पेगी कि तू जो ड्रेस पहनी है बता बता ये ड्रेस तुम्हें कहां से मिला, तो कहता है क्योंकि मैंने पहले बताया डियर स्टूडेंट्स आपको कि मेडी जो है पेगी के दिए हुए कपड़े ही पहना करती थी, तो इसलिए जब उसको यह पूछा जाएगा कि तुम्हें यह कपड़े कहां से मिली, ये जो ड्रेस तुमने पहनी है ये तुम्हें कहां से मिला है, तो कहता है ये जो पेगी है मेडी है ना उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता कि यह जो ड्रेस है ना वह पेगी का दिया हुआ पुराना ड्रेस है, ओल्ड वंस है, पुराना ड्रेस है, और उसकी मम्मी ने उसको डिस्गाइज करने के लिए, उसको छिपाने के लिए, डिस्गाइज मतलब यहां छिपाना, विथ न्यू ट्रिमिंग्स उसमें कुछ न्यू ट्रिमिंग्स कर दिए हैं, कुछ नए डिजाइन बना दिए हैं, कुछ मतलब फूल वगैरह कढ़ाई वगैरह कर दी है, सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि रूम 13 में कोई भी स्टूडेंट इसे रिकॉग्नाइज ना कर सके, पहचान ना सके यह पेगी का पुराना ड्रेस है। इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा। अब मेडी क्या सोचती है कि भाई वांडा के साथ मजाक उड़ाना तभी बंद हो सकता है, कब हो सकता है, इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड। पेगी यदि खुद से अपने अकॉर्ड से, अकॉर्ड मीन्स इच्छा, अपनी मर्जी से यदि पेगी डिसाइड कर ले तो क्या डिसाइड कर ले, टू हैविंग फन विथ वांडा, वांडा के साथ मजाक उड़ाना स्टॉप होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। तो पेगी ये सब पेगी के दिमाग में चल रहा है। ओ वेल मेडी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर। अब मेडी जो है अपने छोटे छोटे और ब्लॉन्ड हेयर कहते हैं डियर स्टूडेंट्स भूरे बाल को, ठीक है, गोल्डन हेयर भी इसको कहा जाता है, तो अपने सुनहरे बालों को, छोटे छोटे सुनहरे बालों पर उंगलियां फिराते हुए जो है मेडी सोच रही होती है क्या, टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। वह सोच रही है मन में कि ये मेरे दिमाग में जो अनकंफर्टेबल थॉट चल रहा है, ठीक है, परेशान करने वाले जो ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में, किस तरह से ये चले जाएं, किस तरह से ये खत्म हो जाए, वट डिफरेंस डिड इट मेक। अब मेडी सोच रहा है कि इससे फर्क क्या पड़ने वाला। स्लोली मेडी टोर इन टू बिट्स। क्या फर्क, किस बात का फर्क, कि मेडी को
चिट्ठी लिखूं या उनको कहूं, क्या फर्क पड़ने वाला है, वह तो नहीं मानने वाली। स्लोली मेडी टोर इंटू बिट्स द नोट्स ही हैड स्टार्टेड, कहता है धीरे धीरे मेडी फाड़ डालती है इसे, वह नोट, वह पत्र, वह चिट्ठी जो वह शुरू की थी लिखना। किसके किसको लिख रही थी? पेगी को। तो उसको वह फाड़ डालती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है, ठीक है, टोर इंटू पीसेस, उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है वह, टोर इंटू बिट्स, बिट्स मतलब पीसेस। तो क्यों फाड़ डालती है डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ पता चला? आप स्टोरी सुन रहे हो, देखो मेडी चिट्ठी लिख रही थी पेगी को ना, यह मना करने के लिए कि वांडा के साथ हंसी मजाक बंद हो, लेकिन उसने इसे क्यों फाड़ा? तो मेगी के दिमाग में एक हॉरिबल आइडिया आया डियर स्टूडेंट, से भयानक सा ख्याल आया कि यदि मैं मेडी को चिट्ठी लिख करके या बोल करके भी उसे यह कह दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टे उसको डर लग रहा था कि हो सकता है कल पेगी जो है अगला टारगेट मुझे ना बना दे, क्योंकि मैं भी तो उसी का दिया हुआ कपड़ा पहनती हूँ। इसलिए मेडी ने जो पत्र लिखा था ना उसको फाड़ दिया। समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी ध्यान से सुन रहे होंगे। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल्स हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंग हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। अब कहता है कि जहां तक वांडा का सवाल है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल, कहता है वह मात्र कुछ ऐसी लड़की थी हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंग हाइट्स, जो बॉगिंग हाइट्स में, ये जगह का नाम है, रहती थी, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के यार्ड में प्रांगण में अकेली खड़ी रहती थी। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, वह शायद ही किसी से कुछ कहती, यानी बातचीत भी नहीं करती थी किसी से। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, कहता है एक ही टाइम वह बात करती थी स्कूल के प्रांगण में, और बात क्या, वही अबाउट 100 ड्रेसेस, जो कि छेड़छाड़ होता था उसके साथ, पेगी पूछती थी उसको। मेडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स। अब मेडी याद करती है उस, जो कि बता रही थी वांडा उसे अपने एक ऐसे ड्रेस के बारे में, ठीक है, पहले कभी बताई होगी वांडा ने, क्या पेल ब्लू, जो हल्का हल्का क्या था, ब्लू कलर का था, कुछ मतलब पूरा डीप ब्लू नहीं है, पेल ब्लू मतलब लाइट ब्लू, विथ कलर ट्रिमिंग्स, और कहता है रंगीन कढ़ाई वाले ड्रेस। एंड शी रिमेम्बर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, और एक दूसरा ड्रेस जो वांडा उसको बताई थी, जंगल ग्रीन मतलब बिल्कुल क्या कहते हो, डीप ग्रीन आपको, गहरा हरा रंग, विथ ए रेड सैश, जिसके किनारे किनारे लाल रंग के सैश लगे थे, पाड़ लगे थे। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, सी द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, और उस ड्रेस को देख करके बाकी लड़कियों ने उस पर कॉमेंट की थी कि तुम जब इसको पहनोगी ना तो लगोगी खुद क्रिसमस ट्री की तरह, और ऐसा कह रही थी वह प्रीटेंडेड एडमिरेशन मतलब दिखावटी प्रशंसा के साथ, झूठी प्रशंसा कर रही थी उसकी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट,
Maddy began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब वांडा के बारे में सोचती हुई, साथ ही साथ उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोचती हुई जो कि लाइंड अप इन द क्लोजेट, हमेशा वह बोलती थी कि मेरे क्लोजेट में लाइंड अप है, कतार में लगी हुई है। Maddy began to wonder, Maddy सोचने लगी अब क्या, who was going to win the drawing and coloring contest, कि स्कूल में जो कॉन्टेस्ट हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है, कौन सी प्रतियोगिता है, ड्रॉइंग एंड कलरिंग, ठीक है, चित्रकारी और रंग भरने की प्रतियोगिता, कॉन्टेस्ट मीन्स कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता आप इसको कहोगे। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिडर्ड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। अब इस कंपटीशन में लड़कियों के लिए अलग सब्जेक्ट था, लड़कियों के लिए क्या था, कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों के लिए यह निर्धारित किया गया था कि ड्रेसेस डिजाइन करने हैं उनको, यानी अलग अलग डिजाइन के ड्रेस का चित्र बनाना है। एंड फॉर बॉयज, और लड़कों के लिए क्या सब्जेक्ट मिला, डिजाइनिंग मोटर बोट्स, मोटर बोट डिजाइन करने का। Probably Peggy would win the girls medal. अब देखो, संभवतः पेगी गर्ल्स का मेडल जीतेगी, यानी लड़कियों का खिताब, मेडल पेगी जीतेगी, यानी पेगी ही लड़कियों का मेडल, यानी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन कौन जीतेगी, तो पेगी जीतेगी, ये सोच रही है Maddy। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पेगी रूम में सबसे बढ़िया ड्राइंग करती, एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट, और कहता है कम से कम हर कोई यही सोच भी रहा था कि पेगी ही जीतेगी, क्योंकि वह अपने क्लास में टॉप करती थी, तो लग रहा था कि यही जीतेगी। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड so that you could almost tell who it was. अब देखो, यहाँ पर थोड़ी सी पेगी की जो है टैलेंट की चर्चा है, क्या टैलेंट है उसके अंदर, कि पेगी जो है कॉपी कर सकती है, नकल, कॉपी, एक तस्वीर, एक किसी पिक्चर की नकल इस तरह वह उतार लेती है जो किसी मैगजीन में छपी होती है, और सम फिल्म स्टार्स या किसी फिल्म के हीरो की तस्वीर, उसके हेड को, उसका सर का पिक्चर इस तरह वह बना लेती थी, ड्रॉ कर लेती थी, आप देखते ही उन्हें पहचान जाओगे कि यह किस हीरो की तस्वीर है। ओ Maddy वॉज श्योर पेगी वुड विन, देखो Maddy को तो पक्का यकीन था कि पेग ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, तो कहा खैर कल तो टीचर विनर्स की घोषणा करने वाले हैं ही, कल पता चल जाएगा कौन जीतेगा। देन दे वुड नो, तब उन्हें पता चलेगा, क्या पता चलेगा, किसने जीता ड्राइंग कंपटीशन। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन बारिश हो रही थी। डियर स्टूडेंट, Maddy एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला, देख लो मेगी और पेडी दोनों जल्दी जल्दी स्कूल जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, पेगी की छतरी के नीचे Maddy है बेचारी, क्योंकि उसको अपना छाता भी नहीं होगा। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ सिल्वर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिंग्स हाइट्स, देख लो अब कहता है इस बारिश वाला दिन में, नेचुरली कहता है स्वभावतः, ऑन अ डे लाइक दिस इस तरह के दिन में, यानी बारिश वाले दिनों में, दे डिडंट वेट फॉर वांडा, वे दोनों वांडा के लिए रुकी नहीं, इंतजार नहीं की,
ठीक है, ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट। कहाँ इंतजार करती थी? ऑलिवर स्ट्रीट नाम की जगह है, उसके कोने पर। और कहता द स्ट्रीट, यह वही मार्ग था, यह वही गली थी, दैट फार फार अवे, जो काफी दूर था, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, रेल रोड ट्रैक्स के नीचे, एंड अप द हिल, और यह रोड जो है चली जाती थी पहाड़ी तक, लेड टू बोगिंग हाइट्स, यही बोगिंग हाइट्स जाने वाली सड़क थी, क्योंकि वांडा वहीं से आती थी। एनीवे दे वेरेंट टॉकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। और कहता है रास्ते में वे लेट नहीं करना चाह रही थी आज किसी भी तरह, वेरेंट टेकिंग द चांसेस, किसी तरह का चांस नहीं लेना चाह रही थी, चांस मतलब मौका, कि कोई ऐसा काम हम नहीं करें जिसके चलते स्कूल में लेट हो, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था, इम्पॉर्टेंट था। क्यों था आप सोच सकते हो डियर स्टूडेंट्स, आज रिजल्ट निकलने वाला था ड्राइंग कॉन्टेस्ट का, इसलिए आज कोई लेट होना नहीं चाहती थी। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पेगी। पेगी ने पूछा मेडी से कि तुम्हें लगता है कि मिस मेसन आज विनर्स की घोषणा करने वाली है? ओह आई होप सो, कहा हाँ मुझे तो ऐसा लगता है। द मिनट वी गेट इन, कहा जैसे ही हम लोग अंदर जाएंगे, सेड मेडी, मेडी ने कहा, ऑफ कोर्स, कहा बेशक, यू विल विन पेग, का पेग बेशक तू ही जीतो जीतेगी, होप सो, सेड पेगी ईगरली। और पेगी ने भी बड़ी ही जिज्ञासा से, बड़ी ही मतलब कहो ईगरली, ठीक है, अपनी इच्छा जताती हुई, जीतना कौन नहीं चाहती है, तो कहा उम्मीद तो है, मैं भी ऐसी ही उम्मीद करती हूँ। द मिनट दे इंटर्ड द क्लासरूम, अब कहता है जिस क्षण जैसे ही क्लास में दोनों दाखिल होते हैं, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प, तो वे क्या हो जाती हैं, स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प मतलब अचंभित हो जाती हैं दोनों। देयर वेयर ड्रॉइंग्स ऑल ओवर द रूम, क्यों, पूरे कमरे में ड्राइंग्स भरे पड़े हैं, ऑन एवरी लेज एंड विंडो शील्ड, डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविश डिजाइन्स ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। देख लो क्या होता है, ड्राइंग कितने हैं, ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में, ऑन एवरी लेज एंड विंडो शील्ड, कहता है चाहे वह खिड़की हो चाहे जो भी हो, हर तरह का, जहाँ लेज वगैरह आप पढ़ चुके हैं, लेज कगार को कहते हैं, यानी छज्जा वगैरह जो बाहर की तरफ निकला रहता है उसको लेज कहते हैं, तो सब भरे पड़े थे ड्राइंग से, और सभी ड्राइंग किसपे किए गए थे, ग्रेट शीट्स, बड़े बड़े पन्ने थे, रैपिंग पेपर जिसको हम लपेट सकते हैं उसको कहते हैं रैपिंग पेपर। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, कहता एकदम सब लाइन में थे, और कहता अवश्य ही 100 होंगे। दिज मस्ट बी द ड्रॉइंग्स फॉर द कंटेस्ट, ये दोनों सोच रहे हैं कि ये सारे ड्रॉइंग्स कंटेस्ट के लिए ही होंगे। दे वेयर, और वे थे भी, एवरीबडी स्टॉप्ड एंड व्हिसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, देख करके कहता है सभी लोग अचंभित थे और धीरे धीरे अपने आप में जो है मर्मर्ड करके, यानी कानाफूसी कर रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि वाह क्या डिजाइन है, क्या ड्रेस है। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मेसन अनाउंस्ड द विनर्स, देखो क्लास अब जैसे ही असेंबल्ड हो गया डियर स्टूडेंट्स, असेंबल्ड मींस लगना, जैसे ही क्लास असेंबल्ड हो गया, सारे बच्चे जब इकट्ठे हो गए, तो मिस मेसन ने अनाउंस कर दिया विनर्स का, देखिए विजेताओं की घोषणा कर दी मिस मेसन ने, रिजल्ट निकल गया, देख लो, जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज। डियर स्टूडेंट्स, ये जैक बेगल्स और कोई नहीं है, उसी का भाई है वांडा पेट्रॉन्स्की का, ठीक है, तो बॉयज का मेडल
जैक बेगल्स को गया. शी सेड एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉच ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12. और उसने क्या बनाया है, एक आउटबोर्ड मोटर, ठीक है, मोटर बनाया है, आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12. यानी उसको नाव बनाने का जो दिया गया था सब्जेक्ट वही बनाया है उसने, और कहता है उसको एग्जीबिशन के लिए, प्रदर्शनी के लिए रूम 12 में रखा गया है. रूम 13 में गर्ल्स सब रहती थी, पढ़ती थी ना, ये 12 है बॉयज के लिए. अलोंग विथ द स्केचेज बाय ऑल द अदर बॉयज, साथ में बाकी जितने लड़कों ने डिजाइन बनाए हैं सब रखे हुए हैं. अब देखो ये तो बॉयज की बात हो गई. एज फॉर द गर्ल्स शी सेड ऑल्दोह जस्ट वन और टू स्केचेज वेयर सबमिटेड बाय मोस्ट वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल. कहता है ऐसे तो लड़कियों को कहा गया था कि एक या दो ही स्केचेज बनाने को, ठीक है, लेकिन सबमिटेड बाय मोस्ट गर्ल, हाँ ज्यादातर लड़कियों ने एक से दो डिजाइन ही सबमिट किया था, जमा किया था. एक लड़की ऐसी थी रूम 13 में जिसको, जिस पर कहता है गर्व होना चाहिए मुझे, मिस मैसन कह रही है जिस पर मुझे गर्व है, दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रॉ 100 डिजाइंस. क्यों, कि इस लड़की ने तो वास्तव में 100 डिजाइंस बना दिए, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब के सब अलग अलग और सब खूबसूरत. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. और कहता है जजेज का मानना है कि उनके बनाए हुए कोई भी डिजाइंस जो है प्राइज जीतने के काबिल है. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रॉन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. और कहा मिस मैसन का यह वर्ड है कि आई एम वेरी हैप्पी टू से, कि मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वांडा पेट्रॉन्स्की कौन है, द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, यानी लड़कियों का मेडल जीतने वाली कौन है, वांडा पेट्रॉन्स्की है. तो डियर स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ है, इसको मैं पूरा कर ही लेता हूं. अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल. लेकिन इस रिजल्ट को सुनने के लिए वांडा पेट्रॉन्स्की स्कूल से एब्सेंट थी, नहीं आई वो फॉर सम डेज, पिछले कई दिनों से नहीं आ रही थी. एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लाउज दैट इज ड्यू टू हर. और कहता है आज जो उनको उचित सम्मान मिलना था, अप्लाउज मिलना था, सबकी प्रशंसा मिलनी थी उसको, जिसके वह हकदार थी, उसको रिसीव करने नहीं आई वह. लेट अस होप सी विल बी बैक टुमारो. हम उम्मीद करते हैं कल वह आ जाएगी. नाउ क्लास, ये मिस मैसन अभी बता रही है, नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्रॉइंग्स. कहा क्लास, यानी क्लास मतलब सभी बच्चों को कहा कि आप लोग जो है इस रूम में जो है चारों तरफ घूम घूम करके बिल्कुल शांत हो करके क्वाइटली लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्रॉइंग्स, उसके खास ड्रॉइंग्स को देखो, उसके विशेष खूबसूरत डिजाइंस को देखो. द चिल्ड्रन बर्स्ट इन टू अप्लाउज एंड इवन द बॉयज वेयर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड व्हिसल. अब देखो लड़कों को भी मौका मिल गया लड़कियों के रूम में कदम रखने का आज, क्योंकि ड्रॉइंग देखने की बारी है आज, तो उनको भी चांस मिला है. मुंह पे लेकिन उंगली रखा हुआ है कि भाई शांत रहना है, बोलना नहीं है. एंड व्हिसल, और कह रहा है, व्हिसल कर रहा है, लेकिन सीटी बजाना व्हिसल. दो दे वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि लड़कों को ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं था. लुक पैग विस्पर्ड मेडी. अब मेडी धीरे से कहते हैं, देख विस्पर,
क्योंकि बोलना मना है, फिर भी मेडी कहती है पेग देखना, देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, क्या हुआ रहा ब्लू वाला ड्रेस जिसके बारे में उसने हमें बताया था, इजंट इट ब्यूटीफुल, है ना यह खूबसूरत, यस सेड पेगी, पेगी बोली यस, एंड हियर्स दैट ग्रीन वन, और कहा ये देखो हरा वाला, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, कहता है कि लड़के आई थॉट आई कुड ड्रॉ, कहता है रे छोड़ो ना, आई कुड ड्रॉ, मैं भी ऐसा ड्रॉइंग बना सकती थी, आई थॉट मुझे लगता है मैं भी ऐसा ड्राइंग बना सकती थी, तो बनाई तो नहीं। अब वह देखो पेगी को थोड़ा सा घमंड है, यानी वह क्रेडिट नहीं देना चाह रही है वांडा को, वांडा जीत चुकी है, फिर भी वह क्या कहती है, कह रही ऐसा ड्राइंग तो मैं भी बना सकती थी भाई, देखो थोड़ा सा उसको गर्व है अपने ऊपर, घमंड है क्योंकि कोई दूसरी लड़की आज टॉप कर रही है ड्राइंग में, और वह भी कौन है, पॉलिश गर्ल। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं डिस्कस करूंगा पार्ट सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स चलते चलते आपको तीन काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है चैनल को और इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो। तो इन्हीं बातों के साथ थैंक यू, जय हिंद जय भारत।